माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अमन राज, सौरभ चौधरी, संकल्प श्रीवास्तव, आशीर्वाद राय ने अपना काम बहुत किया, बड़ा अच्छा किया, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और संकल्प श्रीवास्तव, अमन राज का तो ये एक लाइन नहीं गलत था। आशीर्वाद राय तो जल्दी जल्दी में उसी समय अपना उत्तर भेजते हैं, इसलिए उनका कुछ न कुछ गलत हो जाता है। आशीर्वाद रहा, ऐसा मत करिए, ध्यान से बनाइए और 4 से 5 बजे के बीच अपना होमवर्क भेजिए। 5 बजे अपना हम चेक करते हैं, सब होमवर्क देख लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ओके। और मैं कल आप लोगों को पढ़ाए थे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पूरा नियम बताए थे, एक्टिव की परिभाषा बताए थे, पैसिव की परिभाषा बताए थे। आज उसी क्रम में आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। अफर्मेटिव बता दिए थे, निगेटिव बता दिए थे, और उसी क्रम में अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th, पीरियड 2nd, टॉपिक ग्रामर, वॉयस, डेट 30 अप्रैल 2020। अब देखो, इंट्रोगेटिव इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार का होता है लड़के, दो प्रकार का। पहला होता है लड़के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हेल्पिंग इससे शुरू होता है लड़के, प्रश्न इससे शुरू होते हैं। और एक WH वर्ड से शुरू होता है, WH वर्ड से, मतलब वाई से, वाट से, वेयर से, वेन से, हू से। तो दोनों का नियम अलग अलग है लड़के, दोनों का नियम अलग अलग। अब मैं बताने जा रहा हूँ, जान गए लड़के, दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, एक WH वर्ड से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं उसको, WH वर्ड को इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं। तो अब देखो आगे सेंटेंस देखो, सेंटेंस है लड़के, Does he teach English? प्रश्नवाचक शब्द है लड़के, Does he teach English? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया लड़के। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह निश्चित है लड़के। इसमें देखो, does जो है हेल्पिंग वर्ब है, he सब्जेक्ट है, teach वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। पहचानना तो जरूरी है लड़के, पैसिव बनाने के लिए निश्चित रूप से तुमको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बताए थे लड़के, कल डायग्राम से बताए थे इसको, कि एक्टिव में यस भी वो होता है, पैसिव में वो भी यस होता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है लड़के, स्ट्रक्चर, सूत्र क्या होता है, सूत्र भी अंग्रेजी में होता है लड़के। स्ट्रक्चर है लड़के बनाने के लिए, पहले नंबर जब सहायक क्रिया से शुरू होता है लड़के, सहायक क्रिया शुरू होता है, तो पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया ही पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर में देखो आप, डज या डू को देख करके सहायक क्रिया नहीं लिखते हैं, ये ध्यान देना। ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखोगे, प्लूरल है तो आर लिखोगे। तो इंग्लिश जो है एक सिंगुलर है तो इज लिख दो, स्ट्रक्चर इज हो गया लड़के, प्लस ऑब्जेक्ट,
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स अदर वर्ड्स यानी बच्चे में सब जो जितने बच्चे के लड़के उसको अदर वर्ड मान लेना, अदर वर्ड्स लिख देना। ये स्ट्रक्चर हुआ हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब बनाएंगे लड़के इसी सूत्र से। पहले नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इंग्लिश से, इंग्लिश एक बच्चा है तो इज लिख देंगे लड़के। अब सूत्र कह रहा ऑब्जेक्ट लिखो तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट लिख दो लड़के। क्रिया का थर्ड फॉर्म कह रहा है लड़के टीच का टाट लिख दो लड़के, टी ए यू जी एस टी। सूत्र कह रहा है बाय लिखने के लिए बाय लिख दो। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए सब्जेक्ट ही है लड़के तो ही का ही हो जाता है लड़के, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लड़के। और कोई शब्द बचा रहता तो इसके बाद लिख देते क्वेश्चन मार्क लगाते, अब कोई शब्द नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसको नोट कर लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन नोट कर लो। इस सूत्र है एक तरह से, गणित में जैसे सूत्र है इस इंग्लिश में सूत्र है, इसको नोट कर लो लिख लो। अदर वर्ड्स का मतलब सेंटेंस में जो बचेगा शब्द उसको लिख देना है लड़के। रिमेनिंग वर्ड्स भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा वर्ड कह सकते हो, अदर वर्ड कह सकते हो, लिख दो लड़के इसको। फिर इसके बाद देखो बच्चे, और बच्चे एक नोट देखो, बता रही स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें एक चीज हो सकता है लड़के, एच भी हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स, तब लिख सकते हो बाई प्लस सब्जेक्ट, इसमें फ्री हो। इसको यहां भी लिखा जा सकता है, यहां भी लिखा जाता है, क्रिया के तुरंत बाद भी लिखा, बाई सब्जेक्ट अंत में भी लिखा जा सकता है, यहां भी लिखा जा सकता है, अंत में लिखा जा सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, जैसा तुमको अच्छा लगता है। परंतु ये ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब सही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म सही होना चाहिए, अदर वर्ड लिख करके बाई सब्जेक्ट लिखना है, चाहे बाई सब्जेक्ट लिख करके अदर वर्ड लिखो, ठीक लड़के। अगला उदाहरण देखो लड़के, Does Rahul eat? Does Rahul eat a mango? Question mark. अब देखो इसी सूत्र पर बनाना है लड़के, इसी सूत्र पर। पहले नंबर तुमको इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब पहले होता भी है, हेल्पिंग वर्ब रखना भी है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है भी, हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो देखो कि डज राहुल ईट ए मैंगो, सूत्र कह रहा है कि पहले लिखो ये हेल्पिंग वर्ब, तो ए मैंगो लिखा है ए मैंगो, तो अब मैंगो लिखा है तो सहायक क्रिया इज हो गई इज, फिर कह रहा है लड़के ऑब्जेक्ट ए मैंगो हो गया लड़के। फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म कह रहा है सूत्र, तो ईटेन हो गया। फिर इसके बाद लड़के बाई होगा, अबाई राहुल हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे लड़के, ठीक लड़के। तीसरा उदाहरण देखो लड़के, डू वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र में याद हो गया लड़के, पहले नंबर पर क्या करना है हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्रिकेट को देख लिया क्रिकेट एक वचन है तो इज लिख दिया, इज क्रिकेट
क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेड इन द फील्ड, बचा हुआ शब्द है इन द फील्ड, एफ आई एल डी फील्ड, इसके बाद बाई लगा हुआ लड़के बाई अस विकास हो जाएगा। ऐसे दूसरी तरह से इज क्रिकेट प्लेड बाई अस इन द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है लड़के, उसका भी देख लो। डज दिनेश नॉट हील अश्नाई क्वेश्चन मार्क लड़के। अब देखो लड़के हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो तुम भी हेल्पिंग वर्ब पहले रखोगे। इश्नाइक है एक वचन है तो इज लिखित हो गए इज ए इश्नाइक। अब नॉट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लिखोगे। नॉट क्रिया का थर्ड फॉर्म किल्ड, इसके बाद बाई दिनेश। कोई भी नाम लिखना होता है हमेशा कैपिटल होता है लड़के, कोई भी नाम लिखना हो तो हमेशा कैपिटल होता है। अब लड़के डब्ल्यू एस से शुरू होगा, अब वाक्य डब्ल्यू एस से शुरू होगा, डब्ल्यू एच वर्ड। अर्थात वेयर से वाई से, इसको इंट्रोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं, बोलते हैं इसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। वाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन वाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या होता है लड़के ना, इसका स्ट्रक्चर एकदम सेम है उसी तरह से जो डब्ल्यू जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू था उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर, बस प्रश्नवाचक शब्द जो रहेगा लड़के, हु को छोड़ करके जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा लड़के, हु विच को छोड़ करके जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसको जो का त्यों लिख दिया जाएगा लड़के। तो वाई है तो वाई लिख दोगे वाई एकदम जैसे। अब देखो यहाँ सहायक क्रिया शुरू हो गया, हेल्पिंग शुरू होगा तो पहले वाला स्ट्रक्चर ही लागू हो जाएगा एकदम सेम। तो सहायक क्रिया देखेंगे, सहायक क्रिया द चिल्ड्रेन है तो द चिल्ड्रेन प्लूरल है, बहुवचन है तो आर लिख दोगे आर द चिल्ड्रेन आर द चिल्ड्रेन टॉट इन द फील्ड By her question mark हो गया। अगला देखो लड़के अब इसी का निगेटिव देखो, why do they not do their homework क्वेश्चन मार्क करके। तो वाई रहेगा तो वाई लिख देगा लड़का वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है लड़के देयर होमवर्क है तो इज हो जाएगा देयर होम वर्क Not done. Why is their homework not done by them? Question mark. बेटर कम क्वेश्चन मार्क हो गया लड़के। अगला उदाहरण, Why do
यू लाइक दिस पिक्चर? दिस पिक्चर क्वेश्चन मार्क करके अगर इंस्ट्रक्शन बताए थर्ड के, तो व्हाई डू यू लाइक दिस पिक्चर, जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है लड़के, प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसी को तुरंत वैसे ही लिख देते हैं लड़के, वाई हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट को देख करके सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो दिस पिक्चर है तो एक वचन है तो इज लिख देंगे, इज दिस पिक्चर अब क्रिया का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लड़के क्वेश्चन, व्हाई इज दिस पिक्चर लाइक बाय यू लड़के। और एक और देखो लड़के, अब हु से शुरू होता है लड़के, हु राइट्स अ लेटर क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है लड़के ना, हु को हु नहीं लिखते, हु के स्थान पर हुम लिखा जाता है लड़के। हुम की स्पेलिंग बहुत आसान है लड़के, डब्ल्यू एच हु है और इसी में एम प्लस कर दोगे हुम हो जाएगा। अब पहले लिख देते हैं बाई हुम, बाई हु लिखो, स्पेलिंग हु लिखा रहेगा उसमें एम प्लस कर देंगे हुम, बाई हुम हो गया लड़के। बाई हुम लिखने के बाद तुरंत सहायक क्रिया इज, ऑब्जेक्ट है लेटर, क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटेन क्वेश्चन मार्क हो गया। और एक उदाहरण देख लो इसका स्ट्रक्चर, पहले नंबर पर हु, जब वाक्य हु से शुरू होगा तो स्ट्रक्चर होगा लड़के बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसमें अंत में बाई नहीं लगता क्योंकि लड़के पहले बाई लग जाता है, तो अंत में बाई नहीं लगता है। एक उदाहरण देखो और, हु टीचेस इंग्लिश इन द क्लास क्वेश्चन मार्क, तो हु हो गया लड़के, स्ट्रक्चर बोला है बाय होम तो बाय होम लिख दो पहले, बाय होम बाय होम हो गया। फिन कह रहा है हेल्पिंग वर्ब तो इंग्लिश देख लो, इंग्लिश क्वेश्चन इज हो गया, इंग्लिश टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो गया लड़के टाट, और रिमेनिंग वर्ड है इन द क्लास तो इन द क्लास लिख दो लड़के, इन द क्लास क्वेश्चन मार्क, इन क्वेश्चन मार्क निश्चित, क्वेश्चन मार्क मत बोलना, क्वेश्चन मार्क निश्चित लगाया जाता है लड़के, यही है लड़के। आज पूरा समझो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो चुका है लड़के, तुमको पढ़ाए पहले अफर्मेटिव फिर निगेटिव फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे दो बताए, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है आ इसके बाद डब्ल्यू एस से शुरू होता है, फिर हु से बताया लड़के हु, दोनों पांच नियम है लड़के, कम से कम एक टेंस में पांच रूल हैं लड़के, पांच रूलों को तुमको पांच रूल्स को बताए, और आगे मैं तुमको बताऊंगा काम, अब काम दूंगा तुम्हारे घर के लिए काम, होमवर्क दिया जाएगा लड़के, होमवर्क करके, होमवर्क बहुत अच्छा किए थे अमन राज किए थे, अमन राज का कुछ गलत नहीं था, संकल्प श्रीवास्तव का एक भी शब्द गलत नहीं था, बहुत प्रफुल्लित होते हैं लड़के, तुम लोगों का होमवर्क देखते हैं जब गलत नहीं होता इतना सही बनाते हो तो बड़ा प्रफुल्लित होता है मन आत्मा, बहुत खुश प्रसन्नचित होता है। आशीर्वाद रहे, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, तुरंत बना देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, कुछ शब्द गलत हो जाता है, जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आशीर्वाद रहा, जल्दबाजी मत कीजिए, सही बनाने का प्रयास करिए, भले पाँच मिनट लेट हो सही हो, सही होते होते एकदम जल्दी बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा होमवर्क लिखो लड़के।
डब्लू पहला वाई डू यू नॉट हेल्प मी क्वेश्चन मार्क दूसरा लिखो के डू द बॉयज डू द बॉयज प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क थर्ड लड़के थर्ड व्हाई डज सी डू हर होमवर्क क्वेश्चन मार्क चौथा हु टीचेस इंग्लिश हु टीचेस इंग्लिश क्वेश्चन मार्क पांचवा डज ही हेल्प हिज वाइफ इन कोरोना क्वेश्चन Does the gardener water the plants? Question mark. Seventh. Do you learn? Do you learn your lesson in your home? Who teaches you physics? Question mark. हाँ बच्चे फिर से इसको दोहरा लो देख लो बाद में पूछते हो कि ये नहीं आया ये देखो पहला है why do you not help me question mark दूसरा do the boys play cricket तीसरा why does she do her homework चौथा Who teaches English? पांचवा है लड़के Does he help his wife in Corona? Six. Does the gardener water the plants? Question mark. Seventh लड़के Do you learn your lesson in your home? Question mark. आठवा Who teaches you physics? अब देखो ब्लैक बोर्ड फुल हो गया है इसलिए आठ सेंटेंस वर्क के दे रहे हैं वर्क के लिए दे रहे हैं होमवर्क के लिए दे रहे हैं इसको ध्यान से करना और सही सही करने का प्रयास करना माय डियर स्टूडेंट सही सही करने का प्रयास करना अब कोई डिफिकल्टी है ना कोई समझने में कुछ भी समझने में तो एकदम मित्र की तरह पूछना पूछने के लिए कोई पढ़ने सीखना मित्र की तरह पूछा जाता है बच्चे
गुरु और शिष्य का तो प्रेम एक अलग है, संबंध एक अलग है, और कोई चीज सीखना हो बच्चे एकदम मित्र की तरह बोलना है, सीखने के लिए नहीं डरना चाहिए, एकदम पूछना चाहिए, इसमें कोई हम कभी नहीं तुमको परेशान करेंगे या कुछ बोलेंगे, सीखने के लिए पढ़ने के लिए हमेशा मित्र की तरह पूछो और पढ़ो हमसे, सीखो जितना ज्ञान सीखना है मुझसे सीख लो, बताएंगे अपने इंग्लिश के बारे में जितने मेरी कैपेसिटी है तुमको पूरा बताएंगे, मेहनत से बताएंगे और सिखा देंगे। अच्छा बच्चों, अब हमारा क्लास ओवर हो रहा है और स्टे होम और बी सेफ। थैंक यू।